हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉइंटिंग एक्चुअली होता क्या है। और दोस्तों, आपका एरियावाइज के हिसाब से इसको लोकल भाषा में कई नामों से आप उसके बोलते भी होंगे, बट इसका जो टेक्निकल जो नाम है दोस्तों, इसको हम पॉइंटिंग बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम वॉल पर ब्रिक वर्क होने के बाद, मतलब जब ब्रिकवर्क हम करते हैं उसके बाद प्लास्टर ना करने की बजाय, और सोचते हैं कि कम लागत में कुछ हम जो उसके जॉइंट्स वगैरह, उसको डैम्पनेस वगैरह अंदर ना आए, तो क्या है उसको जॉइंट्स को मजबूती, मतलब कि ब्रिकवर्क के जॉइंट्स को मतलब कि मजबूत करने के लिए भी क्या है, हम पूरा प्लास्टर ना करने की बजाय क्या है, हम पॉइंटिंग करते हैं। इसको आपकी लोकल भाषा में टीप करना या कई और नामों से भी इसको आप बोलते होंगे, ठीक है। इसका मेन रीज़न यही है कि जैसे प्लास्टर ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग कर देते हैं, ताकि जो जॉइंट्स होते हैं उसको मजबूती मिल सके। बस मेन रीज़न यही होता है कि इसे कम एक्सपेंस आता है, क्योंकि अगर हम प्लास्टर कराते हैं तो उसमें एक्सपेंस ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है, और इसमें मजबूती जो है प्लास्टर में मतलब कि जो है जॉइंट्स में अच्छे ही मिल जाती है, ठीक है। और हो सके तो इसमें जब भी आप ये पॉइंटिंग करें तो इसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल ज़रूर मिलाएं, तो और भी बेटर रहेगा, ताकि डैम्पनेस वगैरह उधर से इधर ना आए, ठीक है। ये होती है पॉइंटिंग, देख लीजिए इसको टेक्निकल भाषा में पॉइंटिंग, और लोकल भाषा में आपका कुछ भी बोलते होंगे। अगर आपके वहाँ पे जिस जिस नाम से बोलते हो आप इसे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके आपके एरिया में आपको इसको क्या बोलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।